वो कहते हैं ना, जमाने को मत बदलो, बदलना है तो खुद को बदलो, जमाना खुद ब खुद बदल जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा सुंटी, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ हैशटैग मंडे मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिए। तो स्टोरी शुरू होती है एक एयरपोर्ट पर, जहां बोर्डिंग होती रहती है, ऑलमोस्ट पूरे पैसेंजर थ्रू होते हैं, बस अभी एक ही पैसेंजर बाकी होता है। तो उनके लिए एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होता रहता है। तो इतने में ही दूर से एक खूबसूरत सी मोहतरमा, एक ब्यूटीफुल लेडी, भागते हुए दौड़ते हुए बोर्डिंग गेट तक पहुंचती है अपने बोर्डिंग पास के साथ। तो बोर्डिंग गेट स्टाफ उनका बोर्डिंग पास लेके सिस्टम में बोर्ड करता है, उन्हें फ्लाइट तक एस्कॉर्ट करके छोड़ता है वहां पर। तो ये खूबसूरत सी मोहतरमा जो है फ्लाइट के अंदर जाती है, बहुत खुश हो जाती है, चलो फाइनली मैंने फ्लाइट तो मिस नहीं किया। उसके बाद और अपनी सीट के पास पहुंचती है, पहुंचते ही बड़े ही उदास हो जाती है, नाराज होने लगती है, क्योंकि उसके पास वाले सीट पर एक दिव्यांग व्यक्ति बैठे होते हैं जिनके दोनों हाथ नहीं थे। और वो आवाज लगाती है एयर होस्टेस को और कहती है कि ये क्या है, यहां तो मैं बैठ नहीं सकती। एयर होस्टेस को कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कह रही है। कहती है कि मैम, अभी तो पैसेंजर्स पूरे बोर्ड हो गए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप यहां पर बैठ जाइए प्लीज। पर ये खूबसूरत सी मोहतरमा जो थी कहती है कि नहीं, ऐसे पैसेंजर के साथ तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। एयरोस्टेस को फिर से कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी अच्छी खासी दिखने वाली महिला जो है इस तरीके से बात कर रही है। तो कहती है कि ठीक है मैम, हमारे लिए तो हर पैसेंजर इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अंदर जाती हूँ, कैप्टन से बात करती हूँ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। और एयरहोस्टेस अंदर जाती है, कैप्टन से बात करती है, वापस आती है, इन मोहतरमा से कहती है कि मैम, आज हमारे कैप्टन ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लिया है, पहली बार ऐसा हमारे प्लेन में हो रहा है कि एक ऐसे पैसेंजर जो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें हम बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो सुनने के बाद ये मोहतरमा जो है वो बहुत खुश हो जाती है, सोचती है कि चलो मेरी बात ही लोग मान लिया। पर एयर होस्टेस वहां रुकते नहीं है, वहां से आगे चली जाती है उन दिव्यांग व्यक्ति के पास जिनके दोनों हाथ नहीं थे, और कहती है, सर आप हमारे साथ आइए, हम आपको बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ऐसे पैसेंजर के साथ ट्रैवल करें जिन्हें इंसानियत की परवाह नहीं है, इंसानों की परवाह नहीं है। ये सुनने के बाद फ्लाइट में जितने भी लोग थे सब लोग ताली बजाने लगते हैं। और व्यक्ति अपने सीट से उठकर कहता है, ये दोनों हाथ मैंने कारगिल के युद्ध में खोए थे, पर जब इन मैडम की बातें मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि क्या ऐसे लोगों के लिए वहां पर हम लोग जान गंवा रहे हैं। लेकिन कैप्टन का फैसला सुना और आप लोगों की तालियां सुनी तो मुझे लगा नहीं, हम देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है हम सबको। जिंदगी में सीरत खूबसूरत होनी चाहिए, सूरत में तो कुछ नहीं रखा, आज रहेगा तो कल चला जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग सोचते हैं कि वो खूबसूरत है, हैंडसम है, जो कलर के बारे में सोचते हैं, हाइट के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं, दोस्त बाहर की खूबसूरती थोड़े दिन की है, पर अंदर की खूबसूरती जिंदगी भर की है। तो इसलिए जिंदगी में हमेशा सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। अगर आपकी सीरत अच्छी होगी तो आप जिंदगी में कुछ भी इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगी। और मिलते हैं अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर और एक नई कहानी के साथ।